जय हिंद। नमस्कार। एक तरफ आर्मी एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी ओर सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहिर संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा की ओर से चक्का जाम किया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व में ही प्रशासन को जानकारी भी दे दी गई थी। वहीं बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में सेना भर्ती रैली के पुराने एग्जाम को कराने, एयरफोर्स भर्ती का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। आज का दिन युवाओं के लिए बड़ा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज का दिन विशेष हो सकता है। कई लोग जो इस मामले में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, करीबी से जुड़े हुए हैं, उनका युवाओं को पहले ही मैसेज आ गया है कि पॉजिटिव खबर आने की संकेत है। वहीं रविंदर फौजी जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में है, वो भी यूट्यूब पर लाइव आकर कह चुके हैं कि आज का दिन युवाओं के लिए खास हो सकता है, युवाओं को कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है। लेकिन साथियों, यह तो कोर्ट में सुनवाई और उसके फैसले के बाद ही पता चलेगा कि आखिर फैसला किसके पक्ष में जाता है। वहीं वो तमाम युवा जिनका आर्मी का एग्जाम रद्द किया गया है, एयरफोर्स वाले वो युवा जिनका रिजल्ट एनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाना था, वो लगातार आज मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। वो उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उनके इस मामले में किसी तरह का कोई फैसला आता है, और उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं एक आस उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला जरूर उनके पक्ष में आएगा, उनका एग्जाम जरूर होगा, उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही इसको लेकर कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको उससे भी अवगत कराते रहेंगे, आपको इसकी अपडेट लगातार देते रहेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आपसे कहनी है, और वो ये है कि देखिए साथियों, फैसला कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन किसी को भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई गलत फैसला बिल्कुल नहीं करना है। आपको कसम है आपके माता पिता की, आपके गुरुओं की, जिसे भी आप मानते हैं उनकी, क्योंकि हमें ये लड़ाई लड़नी है और जीतना है, इसलिए हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि सिर्फ एक लड़ाई हमारी जिंदगी का आखिरी लड़ाई नहीं होती है। क्या हुआ अगर एक लड़ाई में कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है हमारे साथ, तो अभी पूरी जिंदगी है हमारे पास में और बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ हासिल करने के लिए। इसलिए कोई भी युवा जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला बिल्कुल ना ले। वैसे इस मामले में यह उम्मीद जताई जा रही है, लगभग सभी का यही कहना है कि यह फैसला युवाओं के पक्ष में ही आएगा। इसलिए सभी पॉजिटिव रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें और पॉजिटिव सोच जरूर रखें, ईश्वर जरूर सुनेगा, जरूर अच्छा होगा। इधर दूसरी ओर आज दिल्ली हाईवे पर खेड़की दौरा के पास चक्का जाम किया जा रहा है। चक्का जाम के चलते लोगों को परेशानी न हो, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन पहले गुरुवार को एडवाइजरी जारी कर दी थी। चक्का जाम में गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, रेवाड़ी और राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों से लोगों के पहुंचने की बात कही गई है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को देखते हुए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। किसी तरह कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। सभी पुलिस थानों के साथ अतिरिक्त बल खिड़की दौला टोला प्लाजा के पास में आसपास में तैनात किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र सिंह सांगवान ने बताया कि जयपुर से दिल्ली जाने वाले लोग पचगांव होकर निकल सकते हैं। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी माह में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यहीं से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।